हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। ये जो कोरोना की टैबलेट है ये डिसअप्रूव्ड हो चुकी है एंड बहुत सारे मीडिया चैनल ने इसको बोला कि ये कोविड की वैक्सीन है, मतलब इससे कोविड का फ़ायदा होगा। इवन हर्षवर्धन जो हैं, जो वो मिनिस्टर हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में, उन्होंने जाके इंडोर्स कर दी इसको कि हर्षवर्धन बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हर्षवर्धन को डांटा है कि भाई आपने कैसे बैक कर दिया। ठीक है, देखिए ऐसा होता है, इंडिया में कई सारी बॉडीज़ हैं मेडिकल की, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मार्केट में कोई भी मेडिसिन ड्रग्स इनके अप्रूवल के बिना नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। देखिए, एक बॉडी होना ज़रूरी है, एक सिस्टम होना ज़रूरी है। कल को कोई भी उठ के बोल देगा कि मैंने दवाई बनाई, आप ले लेंगे क्या? आप पैरासीटामोल लेते हैं क्योंकि वो IMA द्वारा अप्रूव है। आप कोई भी दवाई लेते हैं तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि एक बात बताइए, अगर यही कोरोना की वैक्सीन है तो 35,000 करोड़ गवर्नमेंट क्यों खर्च कर रही है? तो गवर्नमेंट की बात भी सही है जहाँ तक देखा जाए तो। तो मेरे हिसाब से रामदेव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ये कोरोना की टैबलेट्स, देखिए कोरोना की टैबलेट्स को अगर वो इम्यूनिटी टैबलेट्स बोलते चलता, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि इससे कोरोना ठीक हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा क्लेम है, जो कि फॉल्स क्लेम है। तो ठीक है, मार्केट में बस पैसा कमाने के लिए आपने ये चीज़ बोली, ये गलत है। ठीक है, तो कोरोना की जो टैबलेट्स हैं, ठीक है, वो कोविड वैक्सीन की टैबलेट नहीं है। तो इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके अगेंस्ट एक डिसीजन ली, बोला है हर्षवर्धन को बहुत क्रिटिसिज्म किया कि आप एक डॉक्टर के पद की गरिमा को बना नहीं पा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, आप जानते हैं किस तरह की गवर्नमेंट है। ठीक है, उनके लिए सही या गलत से कुछ नहीं होता, उनके लिए बस जो वो कर रहे हैं वो भगवान है, वो जो करते हैं वो सही होता है, बाकी जो करते हैं गलत होता है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि सिस्टम की ज़रूरत नहीं है ना। बाकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो पकौड़े तलने के लिए बैठा है, उनके बाबा जी ने जो कह दिया वो हो गया, ऐसे तो फिर कल को वही सारी दवाई बनाएंगे। तो ठीक है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात यही है कि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ गलती कहाँ पर है। ठीक है, तानाशाही की तरफ बढ़ना ज़रूरी नहीं है, हम इस देश को तानाशाही की तरफ नहीं लेना चाहते हैं, आप भी ऐसा ही चाहते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप किसी बड़े पद पर जाते हैं तो आपको गरिमा को मेंटेन करना पड़ता है, उस पद की डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ता है, आप किसी स्कूल गली के बच्चे नहीं हो। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।